Today we will discuss about excavation of building, what is excavation and why excavation is required for the building. So first of all, we will discuss what is excavation. Introduction. Excavation is the preliminary activity of the construction project. It starts from the digging of pits for the building foundation and continues up to handing over of the building. So why construction is needed? First point. Foundation of the building. For the foundation, जो building का foundation का foundation work होता है उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले excavation करना होता है. तो excavation for the foundation of the building. तो second point, plinth beam के लिए भी हम लोगों को plinth beam या हो या plinth masonry work के लिए उसके लिए भी excavation करना होता है. third point, basement of the building. बेसमेंट के लिए भी एक्सकवेशन करना होता है. फोर्थ पॉइंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक. फिफ्थ पॉइंट, सेप्टिक टैंक. सिक्स पॉइंट, लेन ड्रेनेज वाटर लाइंस इलेक्ट्रिक केबल्स. जो हमारा ड्रेनेज रहता है, वाटर सप्लाई रहता है, सैनिटरी रहता है, उसके लिए भी हम लोगों को एक्सकवेशन करना होता है. सेवन्थ पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ द कंपाउंड वॉल. जो भी बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल होती है उसका फाउंडेशन के लिए भी हमको एक्सकवेशन करना होता है. एट पॉइंट, फुटिंग ऑफ द मेन गेट. जो मेन गेट होता है घर का, जो बिल्डिंग का मेन गेट होता है, उसकी फुटिंग के लिए, उसके फाउंडेशन के लिए भी हम लोगों को एक्सकवेशन करना होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज नाइन्थ पॉइंट, अर्थिंग ऑफ पिट्स और एट्सेट्रा. या कभी बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग वर्क करते जब कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी एक्सकवेशन करना होता है. तो रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ एक्सकवेशन. एक्सकवेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखकर एक्सकवेशन स्टार्ट करना होता है वो हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्राटा. तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, तो वहाँ पे हार्ड स्ट्राटा है या नहीं है. दो तीन जगह अलग अलग जगह पे एक्सकवेशन करके वहाँ पर पिट्स एक्सकवेशन करके, डीप एक्सकवेशन करके, तो वहाँ के स्ट्राटा के बारे में हम लोगों को मालूम करना होता है. तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल इन प्रैक्टिकल नॉर्म्स एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग. वहाँ के सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, लूज सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, या रेड सॉइल है, या फिर या समझे पानी का एरिया है, या बहुत ही हार्ड स्ट्राटा है. तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रैक्टिकल में भी देखकर और एज वेल एज लेबोरेटरी टेस्टिंग्स वगैरह करा के बिल्डिंग का एक्सकवेशन स्टार्ट करना. थर्ड पॉइंट, स्टडी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राॅइंग्स. अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर कुछ, तो उसका ड्राइंग का अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पर क्या क्या जो पहले के डिटेल्स हैं उन लोगों को लेकर, तो वही ड्राइंग्स को रेफरेंस एज ए रेफरेंस लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो फोर्थ पॉइंट हमारा टूल्स, मशीनरीज एंड मटेरियल्स. तो एक्सकवेशन के लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं, मशीनरीज लगते हैं, मटेरियल्स लगते हैं, वो इन एडवांस में सब प्रिपेयर करके रख लेना, लेबर अरेंजमेंट करके रख लेना. फिफ्थ पॉइंट क्या है, लेबर अरेंजमेंट करके रख लेना पूरा एक्सकवेशन के लिए. जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो लेबर्स है, जो भी एजेंसीज है, उन लोगों को हायर करके उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देके पहले के पहले उन लोगों को ये सब डिटेल्स होने के बाद ऐसा ऐसा है उनको बताकर उनसे लेबर का अरेंजमेंट करके रख लेना. सिक्स पॉइंट क्या है, परमिशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड. ये अगर ज़रूरत है तो ही आपको परमिशन लेना है. समझे लैंड ओनर्स अगर कहीं पर बाहर रहते हैं या उनकी परमिशन, वो लोग बोले कि रुकिए थोड़े दिन, अभी स्टार्ट करना है या और थोड़े दिन बाद स्टार्ट करना है, थोड़े दिन वेट कीजिए, या वहाँ पर या कंडीशन सही नहीं है या माहौल का कंडीशन सही नहीं है, तो परमिशन लेके जो ओनर्स है, अथॉरिटीज़ है वहाँ के, सीनियर अथॉरिटीज़ जो रहते उन लोगों की परमिशन लेके एक्सकवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना रहता. सेवन पॉइंट क्या, प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक अवे, टू टेक अवे ऑफ एक्सेस सॉइल. जो भी एक्सेस सॉइल होता है तो उनका जो रिमूव करना रहता है उसको
ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता है या नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता बना लेना। जो भी रहता है वहाँ पे, जो एक्सेस वाला रहता है, उसको चेंज करने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए, मटेरियल शिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रोविजन करके रख लेना। 8 पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी लगते हैं साइट पर, तो उन चीज़ों का अरेंजमेंट करके पहले से रख लेना। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ एक्सकवेशन। कोई भी एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले ये 10 पॉइंट्स का रिमेंबर रख के आप काम स्टार्ट कर सकते हैं।